एक समय की बात है, एक गांव के लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। उनमें आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। यदि सब लोग आपस में मिलकर कोई फैसला करना होता था तो भी वो लोग आपस में झगड़ने लगते थे और वो बात वहीं पर ही समाप्त हो जाती थी। उन लोगों के बीच एकता बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही कोई प्रेम था, बस कुछ था तो आपस में नफरत। कोई किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। ये लड़ाई झगड़े की बात दूसरे गांव तक भी फैल चुकी थी। दूसरे गांव के लोग भी उस गांव में जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वहां आपस में किसी की नहीं बनती थी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसी स्वभाव से ग्रस्त थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा लेकिन उस गांव के लोगों की आदत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसी गाँव में एक स्त्री भी रहती थी और वह हमेशा यही सोचती थी कि ये लोग आपस में हमेशा क्यों झगड़ते रहते हैं, क्यों आपस में प्रेम से नहीं रहते। यदि वह स्त्री किसी बात को सुलझाने की कोशिश भी करती तो लोग उसे ही उल्टा सीधा बोलने लगते जिससे बात और ज़्यादा बिगड़ जाती थी। उसी गांव से दूर एक महात्मा अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उस आश्रम में उनके शिष्य भी उनके साथ रहते थे। एक दिन सुबह उपदेश देने के बाद महात्मा अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि सभी अलग अलग दिशाओं में जाओ और भिक्षा लेकर आए। जब उस गांव जाने की बात आती तो कोई भी शिष्य उस गांव में जाने की बात नहीं करता था। ये सब देख महात्मा ने कहा, क्या हुआ, उस गांव में क्यों नहीं जा रहे हो तुम लोग। तभी एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, उस गाँव के लोग बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं, बहुत अपशब्द कहते हैं और भिक्षा देना तो दूर की बात है, वो हमसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। जब उस गांव में लोगों की एक दूसरे के प्रति भावना ही नहीं है तो वो हमारे प्रति क्या भावना रखेंगे। यह सुनकर महात्मा ने कहा, हम तो सन्यासी हैं, हमें किसी के कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। महात्मा कुछ सोच कर फैसला करते हैं कि ठीक है, आज वो स्वयं उस गाँव में भिक्षा लेने जाएंगे। और ये फैसला करके वो अपने शिष्यों को दूसरे गांव की तरफ भेज देते हैं और महात्मा स्वयं उस गांव की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर भिक्षा मांगने लगते हैं। लेकिन वहां उन्हें कोई भिक्षा नहीं देता। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद महात्मा उस स्त्री के पास पहुंच जाते हैं जो थोड़ी दयालु प्रवृत्ति की थी और वो उससे भिक्षा मांगने लगते हैं। महात्मा को देख कर वो स्त्री भिक्षा दे देती है। भिक्षा लेकर महात्मा आश्रम लौट आते हैं। महात्मा अब हर रोज़ उस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाने लगे। उस गांव में रोज़ वही माहौल देखते थे, वही लड़ाई झगड़े, वही अपशब्द गाली गलौज। एक दिन सुबह सुबह महात्मा अपने शिष्यों की को उपदेश देकर भिक्षा के लिए उस गांव की ओर जा रहे थे। ये देखकर उनका एक शिष्य उनसे पूछता है, गुरुदेव, उस गाँव में लोग आपको अपशब्द नहीं कहते, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते। यह सुनकर महात्मा कहते हैं, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे रोज़ भिक्षा के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है, मुझे किसी के अपशब्द कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने कार्य पर ध्यान देना ज़रूरी समझता हूँ। और ये कहकर महात्मा आगे गांव के लिए निकल जाते हैं और रोज़ की तरह उस गांव में भिक्षा मांगने लगते हैं। भिक्षा मांगते हुए वो उस स्त्री के घर पहुँचते हैं। वो स्त्री बाहर आकर उन्हें भिक्षा देती है और कहती है, हे महात्मा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ। ये सुनकर महात्मा कहते हैं कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो। वह स्त्री कहती है, आप इतने समय से इस गांव में भिक्षा लेने आ रहे हैं, अब तक तो आप इस गांव के लोगों के व्यवहार से अवगत हो गए होंगे कि किस किस तरह के लोग यहाँ पर आपस में झगड़ते रहते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि ये लोग क्यों आपस में लड़ते रहते हैं, क्यों आपस में एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, क्या इनकी नफरत को मिटाया नहीं जा सकता, क्या आप इनको कोई ज्ञान नहीं दे सकते। यह सुनकर महात्मा उस स्त्री से कहते हैं, सुनो बालिके, मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, किसी व्यर्थ के झगड़े को ठीक करने नहीं आया। तुम्हारे इन अटपटे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं और ना ही इसका जवाब देने में मेरी कोई रुचि है। महात्मा ये बातें बहुत क्रोधित होकर कह रहे थे। ये सुनते ही वो स्त्री अपने आसपास देखने लगती है। दूसरे के सामने हुए अपमान पर उस स्त्री को बहुत क्रोध आ जाता है और उस महात्मा को भला बुरा कहने लगती है, उनका खूब अपमान करती है। वहाँ खड़े गांव के लोग ये सब देख रहे थे। वह स्त्री महात्मा पर खूब चिल्लाती है और कहती है कि मैंने यहाँ कोई धर्मशाला थोड़ी न खोल रखी है और ना ही किसी का ठेका लिया है,
जो तुम रोज यहाँ पर भिक्षा मांगने पहुँच जाते हो, खुद को तो महात्मा बोलते हो और किसी स्त्री से ढंग से बात तक करनी नहीं आती तुम्हें, अपने आप में ज्ञानी बने फिरते हो। तुम्हें स्वयं कुछ नहीं पता, दूसरों को क्या शिक्षा दोगे? मैं तुम जैसे भिखारी को भिक्षा नहीं दूंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। महात्मा उस स्त्री की बात सुन रहे थे। जब वह स्त्री चुप हो गई तो महात्मा कहते हैं, देवी पहले आराम से सांस ले लो, चाहे तो थोड़ा पानी भी पी सकती हो, मैं यहीं प्रतीक्षा कर लूँगा। महात्मा की विनम्र वाणी सुनकर वह स्त्री आश्चर्यचकित होकर महात्मा की ओर देखने लगी। महात्मा ने कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। इतना कहकर महात्मा मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर वह स्त्री कहती है, महात्मा आपको क्या हुआ है? पहले तो आप मेरी बात सुनकर क्रोधित हो गए थे और अब मुस्कुरा रहे हो। मैं आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे छिपे राज को नहीं समझ पा रही हूँ। यह सुनकर महात्मा कहते हैं, मैंने जरा सी ऊंची आवाज़ में तुम्हें दो शब्द क्या कह दिए, तुम क्रोध से भर उठी। यही क्रोध झगड़े का मुख्य कारण होता है। मनुष्य के भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर देता है। मनुष्य में धैर्य की इतनी कमी हो गई है कि वह किसी की बात को ध्यान से सुन ही नहीं सकता। उसका सही मतलब समझे बिना ही वह उस कुछ भी बोलने लगता है कि उसके यह सुनता है वह केवल यह सुनता है कि सामने वाले ये बात कितनी ऊंची आवाज़ में बोली है। उस बात का आशय समझे बिना ही, उसका मतलब समझे बिना ही वह झगड़ने लगता है। ये कहते हुए महात्मा ने उस स्त्री से कहा कि तुम तो समझदार प्रतीत होती हो, लेकिन देखो तुम भी दो शब्दों की वजह से किस तरह क्रोध में भर उठी। हम चाहे कितनी भी समझदारी क्यों ना दिखा लें, लेकिन असली समझदारी तो मैदान में परखी जाती है। तुम्हारी तरह ही तुम्हारे गांव के लोग भी अपने आप को समझदार समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। यदि कोई दूसरा आदमी उनसे कुछ कह देता है या उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर लेता है तो तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है। असल में ये चीज़ें तुम्हारी समझदारी चीज़ समझदारी नहीं होती, ये तो अंधापन होता है। असली समझदारी तो इंसान का धैर्य होता है, आपकी वाणी होती है। अगर दूसरा आदमी आपसे ऊंची आवाज़ में बात भी कर रहा है, ये सुनने के बाद भी आप शीतल बने हुए हैं, विनम्र बने हुए हैं और अपने आपने धैर्य रखा हुआ है, तो आप सही मायने में ज्ञानी हो जाते हैं। सभी गांव वाले ये सभी महात्मा की बातें सुन रहे थे। महात्मा की ये बातें सुनकर गांव वाले बड़े प्रभावित हुए। अपनी बात को जारी रखते हुए महात्मा ने कहा कि आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोल देगी, तुम्हारे अंदर के अंधकार को समाप्त कर देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रतापी संत हुआ करते थे जिनका नाम था संत व्यास जी, और वो रोज़ अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को ज्ञान के बारे में, नई चीज़ों के बारे में बताया करते थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ जब उन सभी शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो जाती, तब संत कहते कि आप सभी की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब आप किसी भी जगह जाकर अपनी आगे की ध्यान साधना पूरी कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अपने ज्ञान का प्रचार जनसाधारण तक जरूर पहुंचाना। सभी शिष्य एक एक करके गुरु से आज्ञा लेकर अपने मार्ग पर निकल गए। कुछ साल बाद गुरु ने सोचा कि क्यों ना उन सभी शिष्यों से एक बार फिर मिला जाए, इससे उनकी जांच भी हो जाएगी कि मेरी दी हुई शिक्षा का प्रयोग वो ठीक ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं। ये सोचकर गुरु अपने शिष्यों को खोजने निकल जाते हैं। एक एक करके गुरु अपने सभी शिष्यों से मिलते हैं और ये सभी देख लेते हैं कि सभी शिष्य सही मार्ग पर चल रहे हैं और मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान का सही प्रयोग भी कर रहे हैं। सभी से मिलने के बाद गुरु अपने आखिरी शिष्य से मिलने का तय करते हैं। उसके बारे में दूसरे शिष्य बताते हैं कि हे गुरुदेव, उसने अपना गृह त्याग कर दिया है और उसने अपना आश्रम खोल लिया है जहाँ पर वह बड़ा ही कठोर तप कर रहा है। यह सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं और गुरु अपने उस शिष्य से मिलने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में शाम के समय किसी स्त्री की पायल की आवाज़ छम छम करते हुए वह स्त्री उस शिष्य के आश्रम की तरफ बढ़ रही थी। जब वह स्त्री आश्रम के भीतर पहुंचती है तो देखती है एक संत फकीर साधना में लीन होकर बैठे हैं। वो स्त्री उस संत के पास जाती है और उनके समीप जाकर अपनी पायल और चूड़ी की आवाज़ करने लगती है। वो आवाज़ सुनकर बाबा आंखें खोलकर देखते हैं तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और बाबा को कहती है
कि मैं यहाँ अपनी कुछ सहेलियों के साथ मेला घूमने आई थी, लेकिन अचानक आई आंधी और तूफान के कारण मैं अपनी सहेलियों से बिछड़ गई हूँ और मैं अकेले यहाँ पर फंस गई हूँ और मौसम बेहद ख़राब है, कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दे दें, आपकी बहुत कृपा होगी। ये सुनकर संत कहते हैं, अरे पागल तो नहीं हो गई हो, ये कोई पाठशाला या धर्मशाला थोड़े ना है, ये तो केवल एक कुटिया है, यहाँ केवल संत ही रुक सकते हैं, यहाँ तुम्हारा रहना उचित नहीं। ये सुनकर वो स्त्री कहती है, महाराज अब रात होने को है, इस घने जंगल में मैं कहाँ जाऊँगी, बस एक रात की ही तो बात है, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुनकर संत कुछ सोच कर कहता है, ठीक है तुम कुटिया में मेरी माला मुझे लाकर दे दो और कुटिया में जाकर आराम कर लेना, आज मैं यहाँ बाहर ही रुक जाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना। वो संत स्त्री से कहते हैं कि देखो मेरी साधना भंग ना होने पाए। स्त्री ने ठीक है कहकर कुटिया में जाकर विश्राम करती है। देर रात तक संत साधना करते रहते हैं। अचानक से संत को उस स्त्री का विचार आता है। उनके कदम कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं और आधी रात को जाकर उस कुटिया का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, लेकिन वो स्त्री दरवाज़ा ही नहीं खोलती। ये देखकर वो संत क्रोधित हो जाते हैं कि ये स्त्री दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। वो क्रोध में आकर उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और कुटिया में प्रवेश करते हैं, परंतु अंदर घना अंधेरा ही अंधेरा होता है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो संत एक दीपक लेने चले जाते हैं। वो दीपक की रोशनी में उस स्त्री को देखते हैं, लेकिन तभी संत देखकर हैरान हो जाते हैं कि कुटिया में एक लंबी जटाओ और दाढ़ी वाला एक साधु बैठा है। वह साधु महाराज और कोई नहीं बल्कि संत व्यास जी थे, जो एक स्त्री का वेश रखकर अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे थे। यह सब जानकर शिष्य को अपनी गलती का एहसास होता है, उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है। तब जाकर संत व्यास अपने शिष्य से कहते हैं, तुम चाहो तो तुम अपनी शिक्षा और ज्ञान का उचित प्रयोग कर सकते थे, लेकिन तुमने स्वयं के लिए गलत मार्ग का चयन किया और स्वयं को उस पर बढ़ने दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि तुम आज मेरे सामने नजरें झुकाए खड़े हो। तुमने इतने साल साधना की और एक ही पल में तुमने अपनी सारी साधना व्यर्थ में गंवा दी। क्या फ़ायदा हुआ इतने साल साधना करने का, ध्यान करने का, जब एक स्त्री ने तुम्हारे ध्यान को भंग कर दिया। शायद तुमने घर गृहस्थी छोड़कर अच्छा नहीं किया, तुम अपना घर छोड़कर जंगल में तो आ गए लेकिन तुम्हारा मन वहीं पर अटका हुआ था, इसीलिए ज़रूरी ये है कि तुम वापस जाकर अपनी गृहस्थी संभालो। जब तुम्हारा मन संसार से परिपूर्ण हो जाए तब तुम जंगल में जाकर ध्यान साधना करना। याद रखना, भावनाएं दब सकती हैं, समाप्त नहीं हो सकती। भावनाएं तभी समाप्त हो सकती है जब आपने अपनी इच्छा और भावनाएं पूरी तरह से भोग ली हो, जब तुम्हारा मन इच्छाओं से तृप्त हो गया हो, तभी इच्छाएं और भावनाएं आपका पीछा छोड़ सकती हैं, नहीं तो वो आपके मन के अंदर तभी रह जाएंगी और समय आने पर वो भावनाएं वापस लौट आएंगी और फिर आपको अपने काबू में कर लेंगी। इसीलिए अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश मत करना। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी।